अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजेंडा सी एस एस। मैं हूँ सकेहर सिमल और आज भी हम इंग्लिश एसे के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं। इंग्लिश एसे 2023 का जो सी एस एस का पेपर है उसके टॉपिक्स हम डिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको एक्सपेंड कर रहे हैं, आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ टू एनकरेज हेल्थी ईटिंग, हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड। ये टॉपिक नंबर 7 है जी सी एस एस का जो एसे का पेपर उसमें से। तो आज का जो ऐसे है ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैरो है। नैरो इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ कोई एक चीज़ आ जाती है, इंडिपेंडेंट है, लाइक डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स है, या एजुकेशन, गुड और बैड, वॉट्स एवर, तो आप उसके ऊपर इजीली जो है ना एक्सपेंड कर सकते हो, उसको आप किसी भी डायमेंशन में लेके जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज के आपका सेंट्रल पॉइंट जो है आप उससे दूर ना हटें। लेकिन जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं इंग्लिश एस्से में, तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है क्योंकि आपके लिए उसमें रेलिवेंट रह के एग्जाम्पल्स देना, आर्ग्यूमेंट्स देना, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी टाइम लगता है उन चीज़ों को रिलेट करने में, या उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स खोल के उनको आपस में रिलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यही वजह है फिर इस तरह का जो ऐसे है ये आपको थोड़ा सा परेशान करता है। आप ऐसे के पेपर में बैठ के ये सोचना ही नहीं चाहते कि इतने सारे वेरिएबल या इतनी सारी चीज़ों को मैं रिलेट करूँगा, ये इसके सेक्शंस किस किस तरह से बनेंगे। सो दैट इज़ वाई जो इसकी पॉसिबल डायमेंशन है वो भी थोड़ी सी नैरो है, आपको थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग भी लगेंगी शायद, बट स्टिल यू इट वॉज डूएबल एज लॉन्ग एज यू हैड प्रैक्टिस इट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। इसकी टाइप है जनाब प्रॉब्लम बेस्ड या फिर आर्गुमेंटेटिव। प्रॉब्लम बेस्ड इसलिए है कि आप उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स हैं कुछ जी, उनकी क्वालिटी जो है वो लो होती है, उनमें घटिया ऑयल यूज़ किया जाता है, उनमें जो स्वीटनर्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसमें कुछ डिजीज़ कॉजिंग एलिमेंट्स जो हैं या फिर कंपाउंड्स जो हैं वो भी ऐड कर दिए जाते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, जिनको आप ज़्यादा देर अगर खाते हैं तो यू कैन सफ़र ओबिसिटी, शुगर, वाट्स एवर, डायबिटीज़ जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, तो इस सारा कुछ उससे हो सकता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड भी आप इसको कर सकते हैं, उसके अलावा आर्गुमेंटेटिव भी ये हो सकता था। इस आर्गुमेंटेटिव से मेरी मुराद ये है कि आप आर्गुमेंट्स दे सकते हैं कि जी जो जंक फूड है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनको डिस्करेज करने के लिए और हेल्थी ईटिंग को एनकरेज करने के लिए आपको टैक्सेस लगाने चाहिए, इसके लिए मेरे पास ये सारे आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है जी, कोई भी ऐसे जो है स्ट्रिक्टली किसी एक डायमेंशन में अगर आप करना शुरू कर दें तो शायद आपकी रिजिड अप्रोच हो जाती है एंड इट वुड नॉट बी टू मच रेलिवेंट या फिर टू मच इफेक्टिव। आप ये देखें कि आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और क्या वो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो रेलिवेंट हैं, ट्रू हैं, इफेक्टिव हैं। अगर ये चीज़ें आपकी ठीक हैं तो यू आर ऑन द राइट कोर्स, और आपका आपकी जो आउटलाइन है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। पहले आपने थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करनी है, फिर आपको पता चल जाएगा जी कि मैंने इस एसे में कौन कौन से सेक्शंस देने हैं, किस किस तरह से इसको आगे लेके चलना है मैंने, और क्लोज मैंने कहाँ पर करना है। ठीक है जी, खैर मूविंग बैक टू द एसे जो कि मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। तो पॉसिबल डायमेंशन इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं, एक ये है कि जी आप नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि जी कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। दूसरा है कि जी व्हाई हेल्दी ईटिंग मस्ट बी एनकरेज्ड, कि हेल्दी ईटिंग को एनकरेज क्यों करना चाहिए। आपने अगर टैक्सेस लगाने हैं, अगर आपका जो रीडर है वो डिमांड कर रहा है कि जी हायर टैक्सेस के ऊपर मुझे आर्गूमेंट्स दें कि भाई हायर टैक्सेस लगाने चाहिए ताकि हम हेल्थी ईटिंग को एनकरेज कर सकें। सो हेल्थी ईटिंग ज़रूरी क्यों है या उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। सिमिलरली इम्पोजिंग हायर टैक्सेस टू प्रमोट हेल्थी ईटिंग, के आपने पहले एस्टेब्लिश कर लिया कि हेल्थी ईटिंग ज़रूरी है, अच्छी है, तो उसके लिए जो आप हायर टैक्सेस लगाएंगे वो किस तरह के होने चाहिए या क्यों होने चाहिए, किन किन पे लगाने चाहिए, उनमें आपको हर्डल्स क्या आती हैं, सारा कुछ है, और वही वही आगे जी चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड जो है आप उसको दे के ऐसे को क्लोज ऑफ कर सकते हैं। इसलिए आप नोट करेंगे कि पहले जो हमने एसेज की डिस्कशंस की हैं उनमें काफ़ी सारे टॉपिक्स की दो दो तीन तीन डायमेंशंस डिफरेंट हो जाती थी कि जी आप उसको इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं, दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे थोड़ा सा नैरो है, तो इसको यू सॉर्ट ऑफ हैव टू स्टिक विद द टॉपिक, और उसके ऊपर ही सेक्शंस आप ज़्यादा बना सकते हैं, कम बना सकते हैं, लेकिन आपको लाइन यही रखनी पड़ेगी, कोई दूसरी डायमेंशन नहीं आप लेके आ सकते। इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, ठीक है, और ख़तरा है कि वो इरेलीवेंट ना हो जाए और आपको फेल करवा सकता है।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम सारे जो है उनको अलग अलग डिस्कस करते हैं कि एनकरेजिंग हेल्थी ईटिंग, आपको क्यों हेल्थी ईटिंग इनक्रेज करनी चाहिए या उसके फ़ायदे क्या हैं। इट इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ जी, अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर होती है, ठीक है जी। आपकी बॉडी जो है अच्छी शेप में रहती है, आपकी बॉडी जो है तंदुरुस्त है, आपको बार बार बीमारियाँ नहीं लगती। रिड्यूसिस स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, ये अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं तो वो आपका स्ट्रेस लेवल जो है उसको कम कर देती है। कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर बहुत ज़्यादा शुगर जो है, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू हायर स्ट्रेस लेवल्स। आप इतना ये ज़्यादा खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप नोट करते हैं कि आप इनके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टे काम और स्टे मॉडरेट, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो यू फील के यू आर अनईजी, यू आर अंडर स्ट्रेस व्हाट्स एवर, ठीक है। यही वजह है कि लोग जो हैं वो डिटॉक्स जो है वो प्रमोट करते हैं कि अपने आप को डिटॉक्स करें, ग्रीन टी वगैरह पिए, नेचुरल चीज़ें खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाएं। तो वो क्या है, वो हेल्थी ईटिंग है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और आपकी अंदर जो है वो स्ट्रेस डिवेलप ना हो। यू विल हैव मोर कॉग्निटिव एबिलिटी, यही आगे देखने में हमें आएगा। और मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स है कि जनाब आपकी जो दिमागी सेहत है उस वो काफ़ी बेहतर रहती है, अच्छी रहती है। आपको बार बार जो है वो पैनिक नहीं करते आप, सिमिलरली आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, यू आर एबल टू सी मोर क्लियरली। इंक्रीज एनर्जी लेवल्स एंड लेसर फिटीग, कि अगर आप हेल्थी खाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। आपने देखा होगा जी कि जो लोग बहुत ज़्यादा बर्गर्स खाते हैं, फ्राइज खाते हैं, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, दे विल ऑलवेज फील लाइक कि हाँ खा तो लेना चाहिए, टेस्ट बर्ड्स हैं वो, दे आर क्रेविंग बेटर टेस्ट, और उनका टेस्ट थोड़ा सा होता ही ऐसा है कि बंदे का बहुत दिल करता है, मैं भी खाता हूँ थोड़ा बहुत। बट द थिंग इज़ कि अगर आप उसको ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड को और सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, तो उस वक्त तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपकी हंगर या प्यास जो है सेटिस्फाई हो जाती है, बाद में आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, यू फील लेसर एनर्जी, आपको थकावट ज़्यादा होती है, ठीक है जी। ये आप लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं और ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, रिसर्च हुई है इन सारी चीज़ों में, यही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हेल्थी खाते हैं तो वो आपके एनर्जी लेवल्स जो है हाई रखेगा और आपको फटीग यानी जो थकावट है वो कम होगी। फिर जी बेटर कॉग्निटिव फंक्शन, कि आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से काम करती हैं। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो मैं अगर बुक लेके पढ़ रहा हूँ एंड आई नीड माय कंसंट्रेशन, तो अगर मैं हेल्थी खाना खा रहा हूँ तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू डेवलप कंसंट्रेशन और मैं लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरी मेमोरी अच्छी रहेगी, मैं ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप जो है अनहेल्थी ईटिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो भी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं एज कंपेयर टू द हेल्दी ईटर्स, ठीक है। सिमिलरली आपकी कंसंट्रेशन भी इतनी नहीं बन पाती, आप पढ़ रहे हैं 15 मिनट आपने कंसंट्रेट किया, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अ क्रेविंग यार चलो फ्राइज खाने चले रात के 12 बज के, ठीक है। सो दिस इज़ वाट जंक फूड डज टू यू, के इट गिव्स यू क्रेविंग्स फॉर दीज थिंग्स, ये आपकी हैबिट्स बन जाती है। इम्प्रूव्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जाहिर है अगर आपकी हेल्थ जो है फिजिकल और मेंटल बेहतर हो रही है और आप ज़्यादा सुकून में हैं, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर, तो इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, यू आर मोर एबल टू लिव लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है जी। एज कम्पेयर टू दोज जो कि जंक फूड वगैरह खाते हैं, वो जो स्टेटिस्टिकली हम अगर देखें तो वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। जाहिर है हर बंदे का अलग अलग केस होता है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी एक बंदा जंक फूड खाता था, फ्राइज ही खाता रहा और वो 90 साल तक जीता रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं, वो स्पेशल केस होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज या एब्रेशन आप कह सकते हैं, जो भी आप उसको कहना चाहें। चलें जी आगे, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड पे की तरफ जाते हैं, ये वाले सेक्शंस बाद में आएंगे हमारे। चलें, नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं उनको मैंने थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है हेल्थ, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक वगैरह में, ठीक
ठीक है, तो क्यों है उनके नेगेटिव इफेक्ट्स, ये भी आपके लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। इसलिए छोटा सा हिंट आपको दे दिया जी कि उनमें ज़्यादा शुगर होती है, अनहेल्दी फैट्स होते हैं जी उनमें, फिर उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, यही वजह है फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है, आप ओबेसिटी का भी शिकार हो जाते हैं। सिमिलरली ज़्यादा शुगर होने की वजह से यू आर मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज़, या फिर स्ट्रेस लेवल भी आपका इंक्रीज होता है। ठीक है जी, सो व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेल्थ के ऊपर जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है, जाहिर है कि आप ईटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ईटिंग का सबसे ज़्यादा ताल्लुक आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। बट डायरेक्टली जिस चीज़ को वो हिट कर रही है या जिसको इफेक्ट कर रही है वो है हेल्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेट गेन, आप इस जंक फूड वगैरह की वजह से करते हैं। सिमिलर टूथ डिके, आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट कैन रिमूव या फिर कॉम्प्रोमाइज द इनेमल ऑन योर टूथ, यही वजह है कि फिर आपके दांत जो है गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। फिर है जी पुअर न्यूट्रिशन, आपकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है या फिर जो गिज़ा है उसकी उसके अंदर न्यूट्रिशन कम है, वो खा तो आपने ली है, किलो 1.5 किलो चिप्स खा ली है, आपका मैदा तो भर गया बट उसमें न्यूट्रिशन कम है, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं प्रोटीन्स वगैरह हैं वो उस मकदार में नहीं होती जितनी आपको चाहिए। क्रोनिक डिजीज़ेस, बहुत जो ख़तरनाक डिजीज़ है जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर है, टाइफाइड वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उस तरह के डिजीज़ भी आपको लगने का ज़्यादा खतरा होता है अगर आप ये चीज़ें खाते हैं। पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हेल्थी ईटिंग से ये बेहतर होती है, जो जंक फूड वगैरह है उसकी वजह से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है। पुअर डाइजेशन, के जो चीज़ें आप जंक फूड वगैरह खाते हैं उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, बार बार आपको जो है ना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई वगैरह लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे जो है हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स हैं उसके जंक फूड के, और भी हो सकते हैं, आप इसमें एक दो और ऐड कर सकते हैं, अगर कोई और मेरे से रह गया तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। नेक्स्ट भी है सोशल इम्पैक्ट्स या फिर सोशल इफेक्ट्स, सोशल नेगेटिव इफेक्ट्स कौन से हैं जी जंक फूड के। स्प्रेड ऑफ ओबिसिटी एंड क्रोनिक डिजीजेस, भाई एक बंदे का तो हो गया ना कि उसने क्रोनिक डिजीज उसको हो गई या फिर वो खुद मोटा हो गया, और इसके अलावा यह है कि अगर एज अ सोसाइटी के ऊपर आप देखें कि उधर फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जंक फूड का ज़्यादा रिवाज है या फिर वो वहाँ पे इस तरह के ठेले ज़्यादा हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लोग हर आता जाता बंदा जो है पी रहा है, सो यू विल नोटिस कि उस स्पेसिफिक ज्योग्राफी में या फिर उस हॉटस्पॉट के अराउंड आपको बहुत ज़्यादा केसेस मिलेंगे कि जहाँ पर लोगों को हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, जहाँ पर लोग मोटे ज़्यादा हो रहे हैं, सारा कुछ है। ठीक है जी, तो ये सोशल इम्पैक्ट है। सिमिलरली इम्पैक्ट्स ऑन फ्यूचर जनरेशंस के, आज अगर आप जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके इम्पैक्ट्स आपकी फ्यूचर जनरेशंस पे भी होते हैं, क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस जब आएंगी, बच्चे पैदा होंगे, वो थोड़े से बड़े होंगे तो वो भी उसी माहौल में पले बढ़ेंगे, वो वालदैन की आदतें या फिर अपने इर्द गिर्द लोगों की आदतें देखेंगे, दे आर मोर प्रोन टू अडॉप्ट दोज हैबिट्स, और वो अगर गलत हैबिट है जैसे कि जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाना पीना, तो वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे और फिर वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। मॉरल इम्पैक्ट्स या मॉरल इफेक्ट्स, प्रमोशन ऑफ अनहेल्थी हैबिट्स, भाई मोरालिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो जो गलत चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, फ्राइज के इश्तहार वगैरह लगा के, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के इश्तहार हैं, एड्स वगैरह चलते हैं, तो वो आप अनहेल्दी हैबिट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ एन इमोरल थिंग टू डू, कि आप एक गलत हैबिट को प्रमोट कर रहे हैं, भाई आपको सेहत अल्लाह ताला ने दी है और कहा है कि इसका ख्याल रखें, इन कंट्रास्ट आप जंक फूड और बॉटल्स वगैरह बना के, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बना के बेच रहे हैं, उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों के अंदर आप अनहेल्दी हैबिट्स प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, के कुछ पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल होती हैं तो आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे होते हैं, जानबूझ के एक्सप्लॉयट कर रहे हैं जी, कि ये लोग इसके ऊपर दे आर हुक्ड टू दिस जंक फूड, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉयट दिस पीपल, और हम इनको अच्छी चीज़ें नहीं खिलाएंगे और ऑल दैट। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पे आ जाते हैं जी, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई आप जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की वजह से भी ऑफ कोर्स नेचुरल रिसोर्सेज जो है उन पे इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, अगर वो चीज़ें वैसे खाने में ही अच्छी नहीं है तो उनके एनवायरनमेंट के ऊपर भी
गलत या फिर बुरे असरात पड़ते हैं। बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये आप थोड़ा अगर इसको ऊपर ले आएँ प्रेफरेंस ऑर्डर में तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा लोग जो है वो डायबिटीज़ यानी शुगर वगैरह का शिकार हो रहे हैं या फिर हार्ट अटैक्स की वजह से, तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसकी तरफ आपको बजट ज़्यादा एलोकेट करना पड़ेगा ताकि आप इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें कि लोग जो है उनका इलाज हो सके। सिमिलरली डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो लोग ज़्यादा बीमार होंगे इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो लोग ज़्यादा बीमार होंगे, थकेंगे भी ज़्यादा और दे आर मोर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो काम कम करेंगे, छुट्टियां ज़्यादा लेंगे, या फिर अगर वो रिमोटली भी काम कर रहे हैं तो देर आवर्स ऑफ वर्क विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है जी, तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए। अब आते हैं जी इम्पोजिंग हायर टैक्सेस की तरफ, कि हमने हायर टैक्सेस लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, क्यों लगाने चाहिए हमें। नंबर वन, शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि आपको लगाने चाहिए क्योंकि हायर टैक्सेस जो है वो कंज्यूमर का बिहेवियर उसको चेंज कर देता है, शेप करता है वो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिस्किट्स हैं या कोई बर्गर वगैरह है फॉर एग्जांपल, और लोग उसको खा रहे हैं 100 रुपये का, बट अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि ये अनहेल्थी है और इसके ऊपर हमने ज़्यादा टैक्स लगाना है, उसके ऊपर आप 75 रुपये का टैक्स लगा देते हैं, तो 175 रुपये का बर्गर शायद आप लोग ना खाएंगे। ठीक है, सो यू विल बी फोर्स्ड टू ईट सम अदर थिंग्स, मे बी यू ईट सम अदर हेल्थी फूड, फॉर एग्जाम्पल सैलड वगैरह, नेचुरल कॉब सैलड वगैरह पर भी आप खा लें। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आपका बिहेवियर शेप करता है। ठीक है, और तो इससे आपकी जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं या फिर कंज्यूमर की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, बट इट इज़ इन द ग्रेटर इंटरेस्ट या फिर ग्रेटर गुड ऑफ द कंज्यूमर के हम उनकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाह रहे। यही वजह है कि आप कंज्यूमर का बिहेवियर शेप कर सकते हैं ज़्यादा टैक्सेस लगा के। फिर है जी इसका फायदा है कि ये रेवेन्यू जनरेशन में भी काम आएगा, आप उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे अगर वो या तो वो चीज़ें बंद कर देंगे या फिर वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी फायदा है क्योंकि पाकिस्तान का हाल आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे रेवेन्यू कभी पूरा होता ही नहीं है, हम लोग लोन्स ले लेके फिर एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसे लगाते हैं, निकलवाते हैं सॉरी। फिर है जी क्वालिटी एश्योरेंस, कि आप ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे और रेगुलर चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर उससे क्या है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं कि जो लोग जंक फूड में फलाने फलाना जो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑयल्स हैं कुछ या फिर क्वालिटी एश्योर्ड ऑयल्स हैं वो यूज़ नहीं करते, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। सिमिलरली जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनके ऊपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करते, उनके ऊपर आप फाइन कर सकते हैं, उनके रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस होगी, वैसे ही जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स की ही क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और वो लेस हार्मफुल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए या फिर ये है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बट दे विल बी लेस हार्मफुल अगर रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस आप करते हैं। ठीक है जी, चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस नंबर वन, वी हैव लैक ऑफ इकोनॉमिक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि जो आपके लॉज हैं या फिर पॉलिसीज़ हैं वो ऑलरेडी काफ़ी बनी हुई हैं, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। पहले तो आप उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, फिर जहाँ पर लूप होल्स रह जाते हैं या फिर जो नए इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं आप वो भी कर लें, बट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट के आपने उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। सिमिलरली करप्शन, के जो लोग इन चीज़ों को चेक करते हैं जंक फूड वगैरह को या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के क्वालिटी वगैरह, तो वो करप्शन ज़्यादा करते हैं क्योंकि डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं, जाके उन्होंने ऑन फील्ड इंस्पेक्शन होती हैं, तो यही वजह है कि फिर उनकी डिस्क्रेशनरी पावर होती है, तो फिर आगे वाला कहते हैं कि आई स्क्रैच योर बैग यू स्क्रैच माइन, तो मैं आपको पैसे देता हूँ आप मेरा साइन कर दें कि ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है तो इसको मार्केट में जाने देते हैं। ठीक है जी, लॉबिंग एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स हम उन लोगों को कहते हैं कि जिनके सर्टेन इंटरेस्ट होते हैं कोई खास किसी खास तरीके से वो गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को लेजिस्लेटर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो वो लॉबिंग करते हैं। वो फॉर एग्जांपल जो बेवरेजेस इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वाले लोग हैं, वो मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं, ठीक है, वो इतने बड़े बिजनेस वो संभाल रहे होते हैं, तो वो लेजिस्लेटर्स वगैरह की दावतें भी करते हैं, उनके साथ मिलते जुलते हैं, खाने शाने खिलाते हैं ये वो, तो उससे क्या होता है, उससे यही होता है कि जनाब उनको पता होता है कि कल को अगर हमारी प्रोडक्ट के खिलाफ कोई असेंबली में बिल जाता है तो ही विल वोट इन आवर फेवर और ये हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगवाएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये तो चल रहा है पाकिस्तान में, इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है हमें।
इनकैपेसिटी ऑफ टैक्स कलेक्टिंग बॉडीज, के टैक्स कलेक्टिंग बॉडीज हैं उनके अंदर इतनी मैन पावर ही नहीं है कि वो इफेक्टिवली टैक्स कलेक्ट कर सकें, बहुत कम लोग हैं, या फिर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल उनकी कार्स वगैरह बाइक्स जिन पे उन्होंने जाना है, जा जा के हर शॉप पे या हर ठेले वाले से टैक्स कलेक्ट करने, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। और लैक ऑफ डिजिटल पेमेंट्स भी आप कह सकते हैं, या फिर लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी वैसे इसी चैनल के ऊपर आपको एक और वीडियो है, एक दो वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें 7 स्टेप्स भी हैं कि किस तरह से आप इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से आपको पता ही नहीं चलता कि जनाब ये ठेले वाला जो है कितने पैसे कमा रहा है, कोई 1,000 का कमा रहा है, 10,000 है, 15,000 है दिन का, कितने का कितना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना होता है। अगर आप टैक्स कलेक्टिंग बॉडीज जो हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो यू विल बी एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू, और फिर इन सारी चीज़ों को या फिर जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को आप थोड़ा सा डिस्करेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस कैन बी डन। बाकी आप वे फॉरवर्ड इसी से चैलेंज से आप बना सकते हैं, 3, 4, 5 वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स देते हैं, एंड इट विल बी अ गुड ऐसे ओवरऑल। ओवरऑल आई वुड से कि ये ऐसे जो है, अगर 20,000 लोगों ने या 25,000 लोगों ने दिया है CSS का एग्ज़ाम, तो आई डो नॉट थिंक के 100-150 से ज़्यादा लोगों ने ये अटैम्प्ट किया होगा। उसकी रीज़न ये है कि हम फूड के हवाले से और स्पेशली फूड के लिहाज से हायर टैक्सेस या टैक्सेशन या लेजिस्लेचर वगैरह जो है उसके बारे में हम लोग ना तो पढ़ते हैं, ना रिसर्च करते हैं, ना ही हमने तैयार किया होता है। यही वजह है कि उधर जब आप जाते हैं तो 2-3-4 बेसिक थीम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि यार इनमें से कोई आ गया, बस मैंने वही करना है, ठीक है। तो जिन 100-150 लोगों ने किया हुआ है, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है और आर्गुमेंटेशन ठीक है और सही डायरेक्शन में उसको ले गए हैं, तो आई थिंक दे विल बी मच दे विल बी अ हायर परसेंटेज ऑफ दिस पीपल पासिंग दिस एसे। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट्स, या फिर कोई अगर आपका फीडबैक है तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो अदर एस्पायरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।